नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक पिग फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं श्री गंगानगर जिला के सूरतगढ़ में और अब इनसे जो है मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार जी, आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा अजय अजय दास बंसल, अजय दास बंसल। मनिंद्र सार सर। दरअसल अजय दास मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं जनवरी 2020 2020, हाँ जी, ट्वेंटी जनवरी 2020 के बैच में इन्होंने ट्रेनिंग लिया था। तो अजय जी, आपको बधाई हो, आपने फार्म किए हैं। इन्होंने एक्चुअल में दो फार्म कर लिए हैं बहुत ही कुछ चंद समय के अंतराल में। आप कितना समय हो चुका आपको फार्म खोले को? मुझे 4 महीने हो चुके। 4 महीने में आपने दो फार्म कर दो लिए। तो अभी हम इनके पहले फार्म पर आए हैं। इनके जो है फार्म का जो नामकरण इन्होंने किया है सोढ़ल पिग फार्म। सो चलिए हम इनकी विजिट करवाते हैं आपके फार्म की और फिर कुछ वार्तालाप करेंगे। ये आप देखेंगे इनका जो फार्म का कंस्ट्रक्शन है शहर के थोड़ा सा बाहर है और कुछ इस प्रकार इन्होंने बनाया है। ये नीचे इसका साइज क्या है, इस जो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का साइज क्या है? ये हमारा 25x43। अच्छा, 25x43 का तो इसका जो है साइज है। ऊपर जो है इन्होंने वॉशरूम वगैरह बनाया है और यहाँ पर इन्होंने आए यहाँ पर इन्होंने फीड स्टोर रखा हुआ है, ऑफिस रखा हुआ है। ये इन्होंने यहाँ पर फीड रखा हुआ है, कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं। ये इनका ऑफिस है छोटा सा। चलिए अब हम फार्म की तरफ अग्रसर करते हैं। कट कर इसको। अभी हम फार्म में एंटर हो रहे हैं। एंटर होने से पहले ये कैबिन से आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। ये इन्होंने कैबिन बाहर की ओर बनवाया है और यहाँ पर ये मेटिंग करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं। चलिए जी, चलिए ये कितने महीने के बच्चे हैं? 4 महीने के बच्चे। इस मादा के कितने बच्चे हैं जी? 15 बच्चे दिए थे। अच्छा, इस मादा ने 15 बच्चे दिए थे जिसमें से 12 जिंदा हैं और 3 मर गए थे। ठीक है जी। ये मादा प्रेग्नेंट है। ये तीनों मादाएं गाभिन हैं जिसमें से 2 सेकंड टाइम है और 1 फर्स्ट टाइम है। आप पंखे दिखा, आप ऊपर देखेंगे पंखों की व्यवस्था है और ऊपर जो है रोशनदान लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये इनका नर सुकर सांड है। ये इनकी ग्रोअर कैटेगरी है।
लगभग 2 से लेकर 3 महीने, ये 2 से लेकर 3 महीने के, हाँ वही 2 से लेकर 3 महीने। आपका इस कंस्ट्रक्शन पर टोटल कितना खर्च आया है? लगभग 40 लाख, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए में ये दोनों रूम भी हो गए? हाँ, दोनों रूम और वो फार्म भी हो गए। ठीक है, आपने फार्म इस प्रकार बनाया कि आप इसकी एक मंजिल और भी ऊपर बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका जो है वो ओपनिंग डेट क्या थी आपके फार्म की? हमारी थी 24 अप्रैल। चौबीस, आपने जो है कोरोना दौरान, कोरोना काल के दौरान कर दिया। बहुत शानदार, 24 अप्रैल को आपने फार्म खोल लिया था। आपने कितने पशुओं से इस फार्म की शुरुआत की थी? हमने 9 मादा से फार्म की स्टार्ट की, प्रेग्नेंट मादा लाए थे। 9 मादा और फिर अभी तक जो है वो आपके पास टोटल 9 मादाएं और एक नर। 9 मादा और 34 बच्चे लेके आए थे। 9 मादाएं और 34 बच्चे, छोटे छोटे। अभी यहाँ पर टोटल कितने पशु हैं? 87 87 पशु हैं टोटल। इसमें से बड़े पशु कितने हैं? बड़े पशु 10 हो गए, 40 किलो के आसपास के तो हमारे पास ये 35 बच्चे हैं। ठीक है, और 20 किलो के आसपास के वो आपने देखी हैं, 22 और 10 32 बच्चे हुए हैं। ठीक है, और 10 बड़े हैं पूरे 1 क्विंटल के आसपास। ठीक है, ठीक। 9 मादा और 1 सांड। चलो, अब मुझे ये बताएं कि पिगरी में आपको किन किन समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा, वही बताएंगे जो एक्चुअल है। नहीं, वही बताएंगे, बाकी अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो थोड़ी सी ये फीड पे विश्वास वाली बात है, वो थोड़ा सा सेटिंग नहीं बैठ रही है ना, वो आप बता रहे हो तो ठीक। हाँ, वो मैंने आपको बताया कि आप एक्सपेरिमेंट खुद, हाँ एक्सपेरिमेंट, वो आपने अब बताया है तो उस पर करेंगे। ठीक, अपने पैसे भी लगते हैं और अपने को रिजल्ट भी ना मिले तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर वो देखते। ठीक है, और जो आपका पशुओं के प्रति आपका क्या तजुर्बा रहा है? पशु बीमार ऐसा तो कुछ नहीं? नहीं, हमारे पशु बहुत कम बीमार पड़ते हैं। 4 महीने के अंदर हमें ऐसा कोई पशु नहीं हुआ जो बीमारी से मरा हो। और इसका वैक्सीनेशन प्रॉपर आप प्रॉपर करते हैं? बहुत बढ़िया। अभी तक कोई आपका जो है वो पिगरी को लेकर कोई बुरा तजुर्बा नहीं रहा? नहीं, अभी तक कुछ भी। आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आपने अभी एक फार्म और कर लिया। हाँ जी, बुरा तजुर्बा रहता तो एक फार्म अभी नहीं करते ना, अभी किया है रिसेंटली। बिल्कुल, हफ्ता भर हुआ है। चलिए हम, हालांकि लॉकडाउन के दौरान ये उम्मीद तो नहीं थी कि शायद ऐसा करें, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद बन रही है। जैसा कि आप इसे लोग कह रहे हैं कि पिगरी में भविष्य है, उस भविष्य को देखते हुए एक फार्म और हम लोगों ने किया है। बहुत बढ़िया। क्या मानते हैं कि आने वाला जो 2021 एंड है, एक साल बाद में क्या देखते हैं, कहां पर देखते हैं आप? बहुत ही बेहतरीन। आज जब हम देख रहे हैं कि जितने भी पिगरी के ग्रुप चल रहे हैं उनमें देखते हैं कि रेट धीरे धीरे आने शुरू हो गए। अभी कल ही देखते हैं कि कल ही रेट आए 110, तो यानी कि धीरे धीरे रेट आने शुरू हो गए हैं। तो आने वाला जो भविष्य है, आप देखेंगे कि जो भी बड़े बड़े फार्मर हैं वो आज के रेट में बच्चे इकट्ठे कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई 500 बच्चे मांग रहे हैं, कोई 300 बच्चे मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं वो? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन तो कम से कम यही होगा कि कम से कम आने वाला भविष्य सिक्योर है। यदि सिक्योर नहीं होता तो वो इतने पैसे क्यों इन्वेस्टमेंट करते? इसी उम्मीद के साथ में हम लोग लगे हैं। बहुत ही बढ़िया। सो आपका विचार है कि 2021 तक, मेरा कहने का जो मेरा मतलब ये था कि कितनी मादाओं का आप फार्म करेंगे 2021 तक? उम्मीद है 50 मादाओं तक हम इस फार्म को लेकर जाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही बहुत बधाई हो आपको। और हमने आपको एक नया कंस्ट्रक्शन और दिखाने की कोशिश की कि इनके जो है पशु संभालने का क्या तरीका। आप इनका जो है फर्श देखेंगे, इन्होंने फर्श बहुत ही सिंपल तरीके से जो है लगाया है और बहुत ही सस्ता है, कोई इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और आपने यहाँ पर CCTV कैमरे कितने लगाए हैं टोटल? 5 कैमरे लगाए हैं। ये बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ है CCTV कैमरे लगाना, ताकि जो है वो निगरानी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा आपको पशु बेचने में कोई मसला? अभी तो बेचने की नौबत आई नहीं, नौबत आई नहीं, अभी तो शुरुआत है हमारी। पाल रहे हैं बस, अभी तो पाली शुरू हुई है। हाँ, अभी तो शुरुआत है। बहुत बहुत बढ़िया। और आप जिस प्रकार भी अपना जो है वो अपने तन मन धन लगा रखा है इस पिगरी में, अगर आप इसी प्रकार अगर आप जारी रखेंगे तो निसंदेह आपका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है और बहुत ही शानदार। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही शानदार। आप लोगों की दुआएं हाथ में है तो जरूर
उम्मीद है कि जरूर कामयाब होंगे इस लाइन में। सो बहुत बहुत आपका आभार, अभिनंदन, शुक्रिया जो आपने एक वीडियो और हमारा देखा, हमने अपना तजुर्बा शेयर किया, उनका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार बनाया है, तो कुछ अलग विधि से जैसे कि एक जो है घर है इस प्रकार इन्होंने ये फार्म बनाया है। सो बहुत बहुत आप आभार आपका, और उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियोज इसी प्रकार पसंद करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।